हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भारत को विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी युवा शक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं मानसिक रूप से मजबूत हो। डॉक्टर राजीव बिंदल आरोग्य भारती सोलन द्वारा आयोजित एक दिवसीय आरोग्य मेला एवं स्वस्थ शरीर स्वस्थ परिवार स्वस्थ ग्राम स्वस्थ राष्ट्र विषय पर आयोजित सम्मेलन के दौरान बोल रहे थे। आरोग्य भारती सोलन द्वारा आयोजित एक दिवसीय आरोग्य मेला एवं स्वस्थ शरीर स्वस्थ परिवार स्वस्थ ग्राम स्वस्थ राष्ट्र विषय पर आयोजित सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि ने विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों को आरोग्य आहार एवं दवाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए आरोग्य भारती सोलन को बधाई दी। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही विकसित एवं संपन्न राष्ट्र की परिकल्पना साकार करने में योगदान दे सकता है। उन्होंने कहा कि आरोग्य भारती द्वारा सम्मेलन के लिए चुना गया विषय न केवल सामायिक है अपितु सभी के लिए आवश्यक भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश चहुंमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत को विश्व का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी युवा शक्ति एवं श्रम शक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं मानसिक रूप से मजबूत हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें आयुर्वेद के आहार विहार एवं दिनचर्या के सूत्रों को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए नियमित योगा भी आवश्यक है। भारत की एक विशिष्ट संस्था है जो देश भर में आरोग्य का प्रचार प्रसार करती है। कोई भी साधन हो, कोई भी ज्ञान हो, वो योग के माध्यम से हो, आयुर्वेद के माध्यम से हो, खान पान के माध्यम से हो, जीवन पद्धति के माध्यम से हो, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से हो, हमारा जीवन वो हमारी जो शरीर है वो स्वस्थ रहना चाहिए, उस दिशा के अंदर एक महत्वपूर्ण काम करने वाली संस्था और उनके द्वारा आज सोलन के अंदर एक आरोग्य मेला आयोजित किया। इस मेले के माध्यम से जहां योग का प्रचार प्रसार किया, योग जीवन को कैसे स्वस्थ रख सकता है, आयुर्वेद कैसे स्वस्थ रख सकता है, वहीं पूरे देश की कुछ महान विभूतियां जो हिमाचल से जुड़ी हुई हैं उनको सम्मानित करके और यह बात बताने का प्रयास किया कि आरोग्य के लिए कार्य करना कितना श्रेष्ठ और कितना महत्वपूर्ण है। और आज जहां बिना खाद और बिना पेस्टिसाइड के जो भोजन है उसके प्रति जागरूकता, जड़ी बूटियों के प्रति जागरूकता, औषधियों के प्रति जागरूकता, इस संबंध में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगा करके जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा योग प्रदर्शित किया। हम आज आरोग्य भारती द्वारा आयोजित इस मेले को बहुत बहुत कामयाब बताते हैं और बधाई देते हैं और प्रत्येक मनुष्य को शत वर्ष की आयु तक स्वस्थ रहने का संदेश आरोग्य भारती ने दिया, उसको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना हम सबका धर्म।